हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। तो आप लोग का सभी लोग का वेलकम मेरे चैनल पर। और आज इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था सिलेबस के बारे में, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड में या और भी बोर्ड में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो रिमूव कर चुका है कम्प्लीटली। तो कौन कौन सा लेसन पढ़ना था वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जिन बच्चों को नहीं समझ आया तो पहला वीडियो मेरा देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो लेसन रहेगा वह सॉल्यूशन है, जो सिलेबस के साथ साथ हम लोग आईआईटी जेई मेंस और नीट का भी इसमें कवर करेंगे। तो लेसन जो पहला है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वह सॉल्यूशन है, समझ गए बच्चों? तो आज सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जो लेक्चर नंबर 1 है। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और सभी दोस्तों से अपने इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिए भाई जो भी इसमें मटेरियल्स में अवेलेबल होगा, जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे वो आप कम ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें। तो ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें, लेक्चर नंबर 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन का हिंदी होता है बिलियन। आखिर बिलियन होता क्या है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है। आखिर इस लेसन को क्यों पढ़ते हैं भी हमको जानना जरूरी है। अगर बात करें हम तो बिलियन यानी जो सॉल्यूशन है हमारे जो डेली लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इसका यूजेज है। इसके साथ ही साथ जो मेडिसिन इंडस्ट्रियल एरिया है, मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसमें भी सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर जगह सॉल्यूशन ही हमको नजर आएगा दैनिक जीवन में। जैसे एयर, एयर भी अगर देखा जाए तो डिफरेंट गैसों का क्या है, एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है। तो इसी तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक और चीज, इस लेसन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो आपका जानना चाहिए, जिसमें आपका सबसे पहला जो पोर्शन इसका आता है चैप्टर का वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक यही आपका है कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये कितने तरह का होता है, ये भी आपको हम समझाएंगे इस लेसन में। जब कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो जाएगा तब आपको समझना है। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक्स है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी तो कई सारे होते हैं, सॉलिड का भी सॉल्युबिलिटी होता है, लिक्विड का भी होता है, गैस का भी होता है। तो हमारे आपको जो समझना है वो गैस का सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, यानी गैस का किसी लिक्विड में, किसी सॉल्वेंट में कैसे सॉल्युबल होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इस पे हेनरी का एक नियम है, हेनरी लॉ, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उस पे न्यूमेरिकल्स, उसका एप्लीकेशंस बहुत सारा उस पे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सेकेंड पोर्शन होगा इस चैप्टर का। थर्ड जो सिलेबस इसमें आएगा वो आपका है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ये भी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपको चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, जिसमें आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम बोर्ड में आते हैं और कॉम्पिटेटिव लेवल पर भी एक दो एक आध क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें राउल्ट्स लॉ भी एक है, एक राउल्ट्स लॉ और है, दो तरह के राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, एक वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए और एक नॉन वोलेटाइल। तो मैं आपको डिस्कस इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस लेसन का, ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन कौन से पोर्शंस हैं जो हमें मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तब इसके बाद इसी पर आधारित आपका वांट ऑफ फैक्टर या एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस, यानी ये भी टॉपिक इसी से रिलेट करता है, कोरिलेट करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें हम वांट ऑफ फैक्टर आई का यूज करेंगे। और इस पर भी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो इस पे हम लोग सॉल्व करके बहुत सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं और आता भी है बोर्ड में। तो एक बार मैं टॉपिक लिख दूँ क्या क्या आपको समझना है। पहला आपका कंसंट्रेशन टर्म, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका
आपका सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी समझना है, और इस सॉल्युबिलिटी में हमको समझना है हेनरी हेनरीज लॉ यानी हेनरी का नियम। तीसरा जो टॉपिक हमको समझना है वह आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा है और इसमें चार होते हैं आपको बताए थे। एक होता है आरएलबीपी रिलेटेड टू लोअरिंग ऑफ फीवर प्रेशर, जो आगे आप सीखेंगे। एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एक होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। खास बात इसमें है, इसमें राल्ट्स लॉ भी हमको समझना है। इसमें एक राल्ट्स लॉ इसमें आ जाएगा, लेकिन इसको पहले ही बताऊंगा। राल्ट्स लॉ दो तरह होता है। एक आपका वोलेटाइल के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, जो आगे हम समझाएंगे अभी। और सेकंड जो होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। यानी हमें दो तरह के राल्ट्स लॉ समझना है। एक जब सॉल्यूट हमें वोलेटाइल होगा, और एक समय उस समय हम पढ़ेंगे राल्ट्स लॉ जब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। जब नॉन वोलेटाइल होगा तो वो आपका आरएलबीपी में आ जाएगा, इससे कंसिडर होगा, तो आगे हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ना है इसमें पांचवा जो टॉपिक है वह है आपका एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासिस, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिकुलर मासिस, इसके बारे में समझना है। और जो लास्ट इसमें आएगा वो वही वांट ऑफ फैक्टर आई, जिसको आई से वांट ऑफ फैक्टर। तो ये आपका अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर का बात करें जो कॉम्पिटेटिव लेवल आईआईटी जेईई मेंस में और नीट में भी आते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, और आपके बोर्ड से तो इम्पॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, अगर केमिस्ट्री है तो ये इतने टॉपिक समझिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आएगा तो आपको सबसे मतलब कह सकते, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग भी है। तो आप पहले ये हम कह सकते हैं सॉल्यूशन लेसन जो है उसके टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमें जानना चाहिए और जानना पड़ेगा। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब एक एक करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। हो गया बच्चों? ओके, तो चलिए समझें क्या होता है सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म, ये सब एक एक करके हमको समझाएंगे आप लोग को, ताकि आपको इजीली मैं समझाऊंगा। बच्चों आप सभी लोग ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को बताएं, जिससे ज़्यादा बच्चे इस मेरे चैनल को देखेंगे या पढ़ेंगे तो उनका ही बेनिफिट होगा। और बहुत ईजी लैंग्वेज में बताने का कोशिश करूँगा बच्चों, ताकि आपको आसान हो जाए, आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चले देखें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस हैविंग ए सिंगल फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी सॉल्यूशन उसे कहेंगे जो होमोजेनियस और साथ ही साथ हैविंग सिंगल फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट वो नॉन रिएक्टिंग हो। चलिए इसको आगे समझेंगे। तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग ए सिंगल फेज, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। समझ गए? तो कोई भी हमें होमोजेनियस अगर दिखाई दे, दो या दो से अधिक मटेरियल का या पदार्थों का, चाहे पदार्थ कुछ भी हो सकता है, उनकी प्रवस्था, फेज का मतलब प्रवस्था एक होना चाहिए, तो उसे हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। जैसे मान लें हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। अब इस सिलेंडर में हम यहां से ऑक्सीजन गैस पास कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस जा रहा है। तो जैसे ही ऑक्सीजन गैस इसमें आएगा तो आपस में क्या हो गया, मिक्स हो गया, मिक्सअप हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो भी है इनकी प्रवस्था गैस अवस्था में, यानी एक जैसा दिखाई देगा। ये नहीं कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑक्सीजन अलग है नाइट्रोजन अलग है, तो इसको बोलेंगे प्रवस्था एक। अतः इन दोनों का जो मिक्सचर होगा यह होमोजेनियस होगा,
साथ ही साथ इनकी प्रवस्था फेज एक होगा, अतः यह सॉल्यूशन है। कोई जरूरी नहीं है सॉल्यूशन केवल लिक्विड लिक्विड का हम लोग पढ़े, गैस गैस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मान लें हमारे पास ये पानी है, इसमें डिस्टिल वाटर में नमक मिला दिया गया थोड़ा सा, तो नमक इसमें कंप्लीट घुल जाता है। पहले नमक तो सॉलिड फॉर्म में था, बड़े बड़े थे भाई, दिखाई दे रहे क्रिस्टल उसके, लेकिन जैसे हम इसे लिक्विड पानी में मिला देंगे तो भी उसी जैसा दिखाई देने लगेगा, यानी वो भी उसका भी प्रवस्था, उसका भी फेज जो है सिंगल हो जाएगा। अतः NaCl का एक्वस सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर हैविंग सिंगल फेज, सो इट इज अ सॉल्यूशन, अतः यह सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन समझ गए बच्चों, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जिसकी प्रवस्था एक है उसे हम विलयन कहेंगे, हिंदी में कहते हैं। अगर हम बात करें विलयन के अवयव का, तो विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जनरली इसका डिफिनेशन तो वैसे कई तरह से बता सकते हैं, लेकिन आप सीधे जान लो, सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होगा उसे सॉल्यूट कहेंगे, और जिसका ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, या जो जिसमें घुलता है ये भी कह सकते हैं, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व होगा उसको सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। जैसे अब ग्लूकोज को पानी में डाल दिया गया, ग्लूकोज को वाटर में मिला दिया गया, तो ग्लूकोज क्या कर रहा है, इसमें घोला जा रहा है, तो ग्लूकोज क्या हो गया सॉल्यूट, और पानी क्या हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि पानी ज्यादा होता है ये भी सॉल्वेंट है, ये ग्लूकोज क्या हो गया सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जिस अमाउंट का, जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होगा उसको सॉल्यूट, और जिसका ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट, समानता कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात करें हम और भी देखें, ये सब आप नोट करते जाइए कॉपी में, ये छोटे छोटे टर्म है। सॉल्यूट का बात करें तो सॉल्यूट जो है दो तरह हो सकता है, एक होता है नॉन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट जो आगे हम लोग बहुत सीखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, ऐसे मटेरियल, ऐसे केमिकल स्पीसी जिसको जनरली अगर एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में डाल दें, वाटर में डिजॉल्व करें, तो वह स्वतः यानी सेल्फ आयनों में अपने टूट जाए, और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आप यही जान लो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयनों में सेल्फ डिसोसिएट हो जाए एक पानी में डालने पर, जैसे NaCl को पानी में घोलते हैं तो स्वयं Na+ और Cl आयनों में क्या होता है डिसोसिएट हो जाता है एक्वस में। H2SO4 को पानी डालते हैं तो खुद H+ और SO4- में क्या होता है टूट जाता है। तो ये जो सॉल्यूट है, जो NaCl है, H2SO4 है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयनाइज ना हो, जैसे था वैसे मिले। जैसे अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को वाटर में डिजॉल्व किया गया तो हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, जैसे इसका मॉलिक्यूलर पावर C6H12O6 होता है ना, अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो हमें यही प्राप्त होगा। खास बात यह है यानी जितना पार्टिकल मिलाएंगे उतना ही पार्टिकल हमें सॉल्यूशन में फॉर्म होगा, लेकिन यहां पर देखो एक मिलाया दो मिला, यानी यह आयनों में टूटेगा लेकिन यह आयनों में नहीं टूटेगा। तो जो नहीं टूटे, जनरली हम सॉल्वेंट वाटर का यूज करते हैं बच्चों, जो नहीं टूटे उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो आयनों में टूट जाए उसे इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, समझ गए बच्चों, ओके, वेरी गुड। इसके बाद अगर बात करें फिर से, अगर और भी थोड़ा समझे, तो हमारा वोलेटाइल सॉल्यूट भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, इन सभी वर्ड का यूज हम लोग इस लेसन में करेंगे, इसका भी और उनका भी। वोलेटाइल का मतलब भाई, वोलेटाइल का हिंदी होता है वाष्पिक या वाष्पशील, यानी ऐसा सॉल्यूट जो वाष्पशील हो, जो वेपर में बदल जाए, सॉल्वेंट के साथ अगर गर्म करेंगे तो सॉल्वेंट के साथ भी उड़ जाएगा। अब जैसे
पानी में एल्कोहल, पानी है वाटर, ये साल्वेंट हो गया। अब इसमें एल्कोहल मिला दिया गया, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। तो एल्कोहल तो पानी में घुल जाता है बच्चों ना, तो ये तो साल्यूट हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, साल्वेंट। लेकिन ये कैसा साल्यूट है, ओलाटाइल। कैसा है, ओलाटाइल, क्योंकि पानी में जब इसको मिलाते थे तो घुल जाएगा, लेकिन अगर रख देंगे तो पानी के साथ साथ एल्कोहल भी क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी वाष्प बना लेगा। अतः यहाँ पर जो एल्कोहल है वो ओलेटाइल सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है बच्चों, ओलेटाइल। तो जनरली जो लिक्विड वाले होते हैं ओलेटाइल में आते हैं, जैसे कार्बन टेट्राकोलाइट, क्लोरोफॉर्म, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सब ओलेटाइल है। क्लियर बच्चों? ओके, ऐसे और एग्जाम्पल, मान ली हमारे पास हेक्सेन है, या साइक्लोहेक्सेन, या क्लोरोबेंजीन, बहुत सारे यहाँ। जैसे मान लिया क्लोरोबेंजीन है, इसमें ब्रोमोबेंजीन मिला दिया गया, ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन अगर साल्यूट का काम कर रहा है तो हमको पता है भाई क्लोरोबेंजीन भी वेपर में जा सकता है, वाष्पित हो सकता है। अब ब्रोमोबेंजीन, तो हमारा ये जो साल्यूट है ये कैसा है, वाष्पशील है। तो जो साल्यूट वाष्पशील होगा, वेपराइज होगा साल्वेंट के साथ, वो भी वेपर में जा सकता है, वाष्पित हो सकता है। तो ऐसे साल्यूट को बोलेंगे ओलाटाइल साल्यूट, ओलाटाइल साल्यूट, भूलेंगे नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है साल्यूट। क्लियर? जैसे एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राकोलाइड, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एसेट्रा एसेट्रा। सेकेंड ये होता है नॉन ओलेटाइल, नॉन ओलाटाइल, नॉन ओलेटाइल साल्यूट। ये भी देखें, अब मान लीजिए पानी में आप जानते होंगे नमक, नमक का फॉर्मेशन समुद्र के जल से करते हैं, तो जब वाटर समुद्र का जब आता है उसको रख देते हैं तो पानी तो उड़ जाता है, लेकिन नमक वहीं बचा रहता है ना। और नमक क्या है, एक साल्यूट है। कैसा साल्यूट है, नॉन ओलेटाइल। तो नॉन ओलेटाइल मतलब जो वाष्पित ना हो, जो वेपर में कन्वर्ट ना हो, साल्वेंट तो चला जाएगा लेकिन वो बच जाएगा। जैसे अगर नमक या चीनी को पानी में घोल दें, सॉल्यूशन बन गया, और फिर से पानी को हम बॉइल करें उस सॉल्यूशन को, तो पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन चीनी बाद में क्या होगा, बच जाएगा। अर्थात चीनी जो है, जो शुगर है, वह एक तरह का नॉन ओलेटाइल सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है बच्चों, नॉन ओलेटाइल। इस तरह आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ओलेटाइल सॉल्यूट, नॉन ओलेटाइल सॉल्यूट। हो सकता है वह सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट भी हो और नॉन ओलेटाइल हो सकता है, वो सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन ओलेटाइल हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, पर इसको नोट कर लीजिए। तो समझ आ रहा है बच्चों सभी लोग को? बिल बच्चों, और भी समझे, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें यह बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, आप याद रखिएगा, इसे आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आगे चल के, क्योंकि ये सब कंसेप्ट बहुत रेयरली आता है किसी को। जैसे हम मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज क्या है यह? पहला ऑप्शन मान लीजिए दिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और ओलेटाइल, ध्यान देना ओलेटाइल साल्यूट, पहला ये ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट ओलेटाइल सॉल्यूशन, ओलेटाइल साल्यूट। थर्ड का जो ऑप्शन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट नॉन ओलेटाइल साल्यूट। फोर्थ का जो आपका, फोर्थ आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट नॉन ओलेटाइल साल्यूट। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्लूकोज इज, ग्लूकोज होगा, इनमें से क्या होगा? तो भाई ग्लूकोज हमें पता है पानी में घोल देंगे तो पानी तो वापस वेपर में बन जाएगा, लेकिन ग्लूकोज वैसे बच जाएगा, अर्थात ग्लूकोज वेपराइज नहीं होगा, वाष्पित नहीं होगा उसमें सॉल्यूशन में, अतः ग्लूकोज जो होगा नॉन ओलेटाइल होगा। पहले बार ग्लूकोज क्या है, नॉन ओलेटाइल। इसके साथ ही साथ ग्लूकोज जो है जितना पानी में डालेंगे आयनों में तो टूटेगा नहीं, तो जब आयनों में नहीं टूटेगा, सेल्फ डिसोसिएट नहीं होगा एक और सॉल्यूशन में, इसका मतलब यह आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन ओलेटाइल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन ओलेटाइल सॉल्यूट, यानी सी, यानी यह नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है और नॉन ओलेटाइल भी है।
सिंपल है। इन सभी वर्ड का यूज हम लोग आगे करेंगे, राउंड्स ला में पढ़ेंगे, अभी अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास में इसका यूज करेंगे, तो हर जगह इसका यूज है बच्चों। तो आप इसे मतलब इजी मत वे में समझ, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में जरूर, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट लेक्चर का बात करें हम, अब आपको समझना है सॉल्यूशन के कुछ टाइप भी समझ लें, सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं ये भी कुछ जान लें, छोटा मोटा सॉल्यूशन कई तरह हो सकते हैं, जैसे एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब जिसमें सॉल्वेंट जो वाटर हो, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो वाटर हो, उसे एक्वस सॉल्यूशन बोल देंगे सिंपल। जैसे नमक का सॉल्यूशन एक्वस, ग्लूकोज का जली बिलियन, ये सब एक्वस में आ जाएगा। नॉन एक्वस मतलब जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो, कोई और सब्सटेंस हो, समझे ना, तो नॉन एक्वस में वाटर ना हो कोई और सॉल्वेंट हो, जैसे आपका आपका मान लीजिए बेंजीन में क्लोरोफॉर्म घोला है, समझ गए ना, हेक्सेन में क्लोरोफॉर्म घोल, हेक्सेन में आपका हेप्टेन घोल दिया गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो नॉन एक्वस है, जिसमें पानी सॉल्वेंट नहीं होगा, कोई और मटेरियल कोई और सब्सटेंस होगा, लेकिन जिसमें वाटर पानी होगा सॉल्वेंट, तो वह आपका एक्वस कहलाएगा। इसीलिए आप कई जगह देखे होंगे लिखा रहता है ऐसे NaCl Aq या Na+Aq, इसका मतलब क्या, एक्वस, एक्यू मतलब एक्वस, एक्वस फॉर्म में है, यानी एक्वस सॉल्यूशन है, ऐसे बहुत जगह लिखा रहता है, आप रिएक्शन में देखेंगे, तो उसका सीधे शाब्दिक अर्थ यही है कि उस साल्ट का, उस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया, यानी पानी में घोल कर लिया गया, ठीक है बच्चों, ओके। इसके अलावा फिर से सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, यानी उस सॉल्यूशन में कितने तरह के सॉल्यूट अवेलेबल है उसके बेसिस पर किया गया, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होगा, लेकिन सॉल्यूट जो है एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं, तो इसके बेसिस पर भी सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर इसके बेसिस पर बात करें तो पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन, जो सबसे सिंपल सॉल्यूशन होता है। बाइनरी का मतलब है जिसमें दो, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट होगा, तो ऐसा बिलियन जिसमें केवल एक ही तरह का सॉल्यूट उपस्थित हो, घुला हो, समझ गए बच्चों, द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ओनली सिंगल टाइप ऑफ सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, समझ गए। जैसे चीनी को पानी में घोल दिया गया, तो भाई चीनी केवल एक ही तरह का है ना सॉल्यूट, तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो। जैसे मान लीजिए हमारा वाटर हो गया, शुगर हो गया, बहुत अच्छा, ये बाइनरी हो गया, वाटर हो गया सॉल्वेंट, इसमें शुगर के साथ हम नमक भी डाल दिए, NaCl भी डाल दिए। अब देखें यहाँ शुगर भी सॉल्यूट, NaCl भी सॉल्यूट, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है ना, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन या थ्री डिग्री सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन या थ्री डिग्री सॉल्यूशन। ऐसे तीन डिफरेंट टाइप सॉल्यूट हो उसको फोर डिग्री या क्वार्टेनरी, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्यूशन को भी डिवाइड कर सकते हैं सिंपली, जो आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर नहीं समझ आएगा आप लोगों को बच्चों, तो कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, ताकि हमें पता चले ना, अगर कमेंट्स करें तो नेक्स्ट जब लेक्चर पढ़ाएंगे तो उसको थोड़ा उसी में हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको समझना है वह आपको कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन टर्म समझना है जो इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंसंट्रेशन टर्म का बात, कंसंट्रेशन का मतलब होता क्या है, तो कंसंट्रेशन का मतलब जनरली यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में या यूनिट मास सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व हो या उसकी मोलों की संख्या उपस्थित हो, चाहे वॉल्यूम डिजॉल्व हो, तो उसे क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। तो यानी जनरली कंसंट्रेशन का मतलब हो गया सॉल्यूशन के भी वॉल्यूम या डब्ल्यू ग्राम्स मात्रा में जितना सॉल्यूट का मोल या अमाउंट या इसका वॉल्यूम डिजॉल्व होगा। अब तीन चीज हो सकता है, या तो सॉल्यूट का मोल डिजॉल्व हो सकता है, मोल में ले सकते हैं, या इसकी मात्रा ले सकते हैं, या इसका वॉल्यूम ले सकते हैं। आज जो हमारा सॉल्वेंट है, ये भी देखें, जो सॉल्वेंट है इसको भी वॉल्यूम में ले सकते हैं, इसको भी मास में ले सकते हैं, मास में ले सकते हैं, समझ गए ना, और मोल में भी ले सकते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन में आता है, मोल भी ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये सॉल्वेंट हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन के बाद, सॉल्यूशन मिलने के बाद,
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम में भी हो सकता है, मास में भी हो सकता है, और कुल वॉल्यूम में हो सकता है। तो जनरली इसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट डिजॉल्व होगा उसी को हम क्या कहें, कंसंट्रेशन कहेंगे बच्चों। सिंपल है, कंसंट्रेशन टर्म जो है दो तरह होता है, कंसंट्रेशन टर्म जो है दो तरह होता है बच्चों। एक आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, ध्यान देंगे बहुत सिंपल है टर्म। और सेकेंड जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म या कंसंट्रेशन टर्म। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है भाई? कंसंट्रेशन टर्म एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हर साल आईआईटी जो जेई का पेपर होता है या नीट का होता है उसमें एक क्वेश्चन जरूर इससे आ जाता है कि भाई कौन सा टेम्परेचर वाला डिपेंड वाला है, कौन सा नहीं है। तो सिंपल है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या, ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पर डिपेंड करे, यानी अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसके कंसंट्रेशन में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। सिंपल है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, व्हेन वी आर वेरी टू टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आल्सो विल बी चेंज। यानी अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ही बदल जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जो आगे आप समझेंगे, एक होता है मोलारिटी, मोलारिटी को होता है एन बाई वी होता है, यानी बिले सॉल्यूट की मोलों का नंबर और वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान ले टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में क्या होगा, परिवर्तन होगा। किसी भी बिलियन को, किसी भी सॉल्यूशन का अगर हीट को मान ले क्लोज वेसल है, इतना बिलियन भरा गया, इसको गर्म किया गया, तो जब गर्म करेंगे तो जो विलायक या जो भी अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा उनके मॉलिक्यूल के बीच में, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, थोड़ा वीक हो जाएगा। और जब वीक होगा तो वो थोड़ा लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे वॉल्यूम में थोड़ा एक्सपेंशन होगा। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका मोलारिटी क्या होगा, घट जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और उसका मोलारिटी क्या होगा, घट गया। इसका मतलब जो मोलारिटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर इसके मोलारिटी में चेंजिंग हो रहा है। इसलिए जो हमारा मोलारिटी है वह एक तरह का टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। लेकिन वही अगर हम मोलारिटी की बात करें, मोलारिटी, मोलारिटी स्मॉल एम इक्वल एन बाई कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में, जहां कैपिटल डब्ल्यू जो है ये सॉल्वेंट का अमाउंट है किलोग्राम में और ये सॉल्यूट का मूल है। एन को मूल कहते हैं बच्चों, मूल भूलेंगे नहीं। अब मूल इक्वल क्या होता है, मास अपॉन एन डब्ल्यू बाई एम होता है, याद रखे रहेंगे जो आगे हम समझेंगे। अब यहां देखें, इसको मोलारिटी कहते हैं, मोलारिटी, इसको मोलारिटी, इसको मोलारिटी कहते हैं, इसको मोलालिटी कहते हैं, मोलालिटी, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है नाम में। अब यहां देखें, इसको अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, लेकिन क्या उसके मास में कोई चेंजिंग होगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट क्लोज वेसल में करते हैं। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से क्या उसके वॉल्यूम तो ठीक है भाई चेंज होगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहां वॉल्यूम से कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब किसे, मास से। तो जब टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे तो उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो था एक किलोग्राम था, एक किलोग्राम लिया पहले था, एक किलोग्राम बाद में भी है। इस तरह इसके मास में जब कोई चेंजिंग नहीं होगा तो आपका यम में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, मोलालिटी में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। अतः जो मोलालिटी है वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, समझ गए ना। जो टेम्परेचर पर डिपेंड करे उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में रखते हैं, और जो नहीं करे उसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया, समझ आया कि नहीं बताइएगा आप जरूर कमेंट्स करके, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से टर्म है जो इसमें आएंगे और इसमें आएंगे, तो मैं पहले उसको लिख दूं ताकि आपको पता चल जाए। इसको नोट पर लिखना कर लीजिए, नोट करें। वेल स्टूडेंट, तो देखें कौन कौन से टर्म इसमें आते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट में यन, यन मतलब नॉर्मलिटी, यन का फुल फॉर्म होता है नॉर्मलिटी, जो आगे हम लोग सीखेंगे क्या होता है। यम का मतलब मोलारिटी, कैपिटल यम,
मोलारिटी ये सिंबल में जानना चाहिए, समझ रहे हैं ना? ओके, डब्ल्यू बाई भी यानी मास परसेंटेज, डब्ल्यू बाई भी इसको बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद से भी बाई भी, ये भी आता है इसी में, भी बाई भी परसेंटेज, इसका मतलब वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद से आता है, यहां देखिए जगह नहीं है मैं यहां लिख रहा हूं, इसके बाद इसमें आता है फॉर्मेलिटी, क्या था? फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एफ यानी फॉर्मेलिटी, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मेलिटी को, फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। इसके अलावा देखें और इसमें क्या क्या आएगा, चलिए ये तो हो गया। अब इसमें देखें, इसमें आएगा सबसे पहले मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इसको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू करते हैं, आगे सीखेंगे मास परसेंटेज। इसके बाद से आता है आपका आपका मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी। इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बच्चों, इसी में आएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले में। इसके बाद इसमें आएगा पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन, पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम जो आगे सीखेंगे। इसी तरह पीपीबी होता है, पीपीबी, पीपीएम का फुल फॉर्म पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, एक बिलियन भागों में बात करें, एक मिलियन भागों में बात करेगा, समझ रहे ना। ये भी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आएगा, इसमें आएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले में आएगा। इसमें देखिए एक और होता है सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन यानी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जो स्ट्रेंथ होता है ग्राम पर लीटर में लेते हैं बच्चों, जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन थे ग्राम पर लीटर, इसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं, यस से ग्राम पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर यानी लीटर नीचे यानी वॉल्यूम है, तो जाहिर सी बात टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा यानी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप नहीं विश्वास आप पेपर प्रीवियस ईयर का देखिएगा, और उसमें जरूर एक क्वेश्चन पूछता है, आईआईटी का एक्चुअली कई दिन लगातार पेपर होते हैं, उसमें एक आ जाएगा, पूछ देगा कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला है, कौन सा डिपेंडेंट वाले हैं, चार ऑप्शन देगा, तीन इसमें देगा, एक इसमें देगा, तीन इसका देगा, एक इसका दे सकता है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इन सभी को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें कॉपी में, कॉपी बनाए। आज इतना ही रह रहा हूँ बच्चों, तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, एक लेक्चर नंबर वन, अगले वीडियो में लेक्चर नंबर टू डालूंगा जो एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, यानी कैसे हम इनको हम कैलकुलेट करेंगे किसी सॉल्यूशन के लिए। तो आज बच्चों इतना ही, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सभी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग से एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें बच्चों, और शेयर जरूर करें, और सभी दोस्तों को अपने स्कूल में, अपने दोस्तों को, क्लासमेट को इसको बताएं, ताकि मैं रेगुलर वीडियो ऐसे अपलोड करूंगा आपके सिलेबस से ही, और आईआईटी नीट भी इसमें क्वेश्चन से इंक्लूड हो जाएगा जब आप बताऊंगा तो, और सरल भाषा में बताऊंगा, तो आप ऐसे देखते रहे मेरे चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच।